नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर मेधावी अंबेडकर स्कॉलरशिप कब शुरू होने वाली है। दोस्तों, अभी आपका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप के लिए डेट अनाउंस कर दिया। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कौन कौन बच्चे जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक जो है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बने रहे मेरी वीडियो पे, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटिस जारी किया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना के अंतर्गत 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, DNT, टपरीवास तथा पिछड़ा वर्ग, ब्लॉक ए एवं बी एवं अन्य समुदाय के छात्रों से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। वार्षिक आय, जो आपके परिवार की वार्षिक आय है वो 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरल पे जाके जो है आप अपने स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, naukrikranch.com। आप naukrikranch.com की वेबसाइट पर जाकर के भी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से भी बता देता हूं कि कौन कौन जो कैंडिडेट हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं कक्षा जो ग्रामीण ग्रामीण है वो 60% मार्क्स के अबाव, 60% व इससे अबाव इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। शहरी जो है 70% अबाव 10th क्लास वाले स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। 12वीं कक्षा में ग्रामीण 70%, शहरी 75%, और इसमें आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो है ग्रामीण 60% एंड शहरी इलाके 65%, इसमें 9,000 से 12,000 तक आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने पूरी डिटेल भी बनाई हुई है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया इसके लिए चाहिए। आपके पास जो है ऐसे विद्यार्थी जो हरियाणा के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप है। उनको, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र स्कॉलरशिप है वो वन टाइम के लिए ही मिलती है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल के, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 10वीं 12वीं या स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन पास की है, आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन वाले कोई भी कैंडिडेट जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आपके परिवार की जो आय है 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थी के पास हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर बता देता हूँ तो आपकी, आप जो है समय रहते अपनी अपने नियर बाय CSE सेंटर पर जा करके अपना जो डेटा है वो फैमिली आईडी में करेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और अपना टाइम से पहले इनकम का सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, क्योंकि पीछे जो है बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई थी, बहुत बच्चे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से स्कॉलरशिप लेने में असमर्थ रह गए थे। तो उसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, 10वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं कक्षा के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपको आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें दोस्तों, जो BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ये BC 12th पास वालों बच्चों को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इसमें SC कैटेगरी 10th और 12th कैटेगरी दोनों के लिए एलिजिबल है। BC के लिए सिर्फ 10th क्लास ही एलिजिबल है। तो इसमें दोस्तों,
आगे मैं बता देता हूँ आपको, स्कूल कॉलेज अंडरटेकिंग, आपके पास स्कूल व कॉलेज की अंडरटेकिंग बहुत ही कंपलसरी है। आप अपना जो है कॉलेज से अंडरटेकिंग बनवा लीजिए, इसमें भी जरूरी चीजें हैं। आप जो अंडरटेकिंग बनवाएंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, जो बनवाएंगे कॉलेज से या किसी भी सीएससी ऑपरेटर से आप बनवा के, उसपे जो फोटो का सेक्शन है फोटो लगाएंगे, वो फोटो भी अटैच होनी चाहिए आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर लगा करके, और नीचे जहाँ पे प्रिंसिपल व जो जो भी हेड है उसके साइन चाहिएंगे वो वहाँ पे होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपने जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग आपने रेडी करा लेनी है, अन्यथा आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन उन सभी को अंडरटेकिंग या बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जो डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है, वो उसके आधार पे ही आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। आपके पास बैंक पास बच्चे का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप जल्द से जल्द जो है अपने बच्चे का बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए, और आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जल्दी बनवा लीजिए। आपके आपके बच्चों का जो एससी का सर्टिफिकेट है, एससी कास्ट का या किसी भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जिस बेस पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द आप बनवा लीजिए। हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो दोस्तों फोटो साइन होना चाहिए, जल्द से जल्द आप ये चीजें रेडी करा लीजिए। 1 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो हमेशा काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप कब शुरू होने वाली है, कब स्कॉलरशिप कब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप का तो नोटिस आ गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिल होने से पहले रेडी करा लीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या आपको कुछ भी पूछना होगा, तो आप मेरे जो चैनल है, चैनल जो आप मेरे जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा, और दोस्तों इसमें मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, आपको जो फॉर्म है वो सरल की आईडी पे जाके अप्लाई करना होगा, और फॉर्म फिल करने का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके जो है वो बता दूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अलग से फॉर्म फिल करने की ज़रूर बताऊंगा, उसमें पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा है, कैसे आपने फॉर्म जो है फिल करना है, और आपने अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है ये फॉर्म जमा करा देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं जब भी बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।